दिसंबर 1949 की रात जब अयोध्या में श्री राम लला का प्राकट्य हुआ, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए थे फैजाबाद रोकने के लिए। और आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जाके आर्काइव्स में रिसर्च करके निकालिएगा। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सीएम को रोक दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था, तो आज की डेट में सीएम को जो पावर है वो नहीं थी। एंड द हेडिंग इन द न्यूज़पेपर्स वाज चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट फॉर व्हाट। उन्होंने कहा कि आपके यहां आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। उसके बाद चेक करिएगा, 1961 तक मुस्लिम वर्ग पक्षकार ही नहीं बना इसमें। के मोहम्मद, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। पर टाइटल सूट में 12 साल की मियाद होती, जब उसमें 11 दिन रह गए थे, दिसंबर 1961 में पक्षकार बने। किसने बनवाया? बनवाया गया। रोकने का सिलसिला इतना ही नहीं रुका। 1976 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब रूटीन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हो रही थी तो नीचे 8 खंभे निकल आए और तब वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई। और रुकवाई नहीं गई, कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई कभी की नहीं जाएगी, क्योंकि पता था कि खुदाई होगी तो कुछ और निकल आएगा। और उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं, मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 21st सेंचुरी शुरू हुई, रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब अटल जी की सरकार थी तो कोर्ट ने खुदाई के लिए मना किया था ना, रडार मैपिंग के लिए तो नहीं। तो रडार मैपिंग की गई, लाइक सर्जरी प्रोहिबिटेड अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2003 में खुदाई में सब कुछ निकल आया। उसके बाद इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर तथा कथित बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े होते थे। इन्हीं के नेता, याद करिए, श्री पीवी नरसिम्हा राव ने 7 दिसंबर 1992 को कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए 15 जनवरी 1993 को उन्होंने फिर रिट्रेट किया और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात बोली। जबकि एक और बात है, ये कह के सिर्फ वो देश की जनभावना का अपमान ही नहीं कर रहे थे, सांप्रदायिक वातावरण ही बिगाड़ नहीं रहे थे, इस्लाम धर्म का अपमान भी कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार तो वो काफिर है और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। और संविधान का अपमान कर रहे थे। हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर से कि वो मस्जिद बनवाएगा? हमारा बहुत साफ कहना था, हम मंदिर नहीं बना रहे थे, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। मंदिर निर्माण का काम श्री राम जन्मभूमि समिति और संतों का था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये वही मध्य प्रदेश है, हम लोग तो उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, जिस समय पटवा जी की सरकार थी यहां, 1990 कारसेवा के समय, जब मध्य प्रदेश से कारसेवक जा रहे थे तो ग्वालियर से झांसी की रोड के ऊपर, झांसी में कोई जाने ना पाए तो दीवार बना दी गई थी अस्थाई। और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने 24 अक्टूबर 1990 को समर्थन वापस ले लिया था जब समस्तीपुर में आडवाणी जी की यात्रा को रोका गया था। तो आप समझिए, दीवार लगा दी गई थी कि यहां से कोई जाने ना पाए। और जब 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई तो यूपी में समझ में आता था कि मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी। संवैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से पूछना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें बर्खास्त करने के पीछे आपका क्या तर्क था? और उस समय तो कमलनाथ जी उस कैबिनेट के मंत्री थे। इसलिए उसके उपरांत 2010 का जजमेंट आता है लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, इनके नेता वकील का चोला ओढ़कर क्या बोलते हैं कि 19 से पहले जजमेंट मत आने दीजिए वरना इसका लाभ मिलेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।